नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस डिसमान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 42 है। इससे पहले मैं इसका 41 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें। तो बिना समय बर्बाद क्लिक करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपेक तेल निर्यातक करने वाले देश की एक व्यापारी संस्था है। ओपेक क्या है? एक तेल निर्यात करने वाली देशों की एक संस्था है। एका आंदोलन का नेता मदासी पासी था। एका आंदोलन का नेता कौन था? मदासी पासी था। यूएसए का पिट समुदाय टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी है। यूएसए का पिट संप्रास किस खेल में विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है? टेनिस में। चीन यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। चीन किसका अस्थायी सदस्य है? यूएनओ का। भारत में गोवा राज्य का क्षेत्र सबसे छोटा है। भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? गोवा राज्य का। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटराइट है। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? लेटराइट है। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई है। मुंद्रा जल प्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। मुंद्रा जल प्रपात कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मयूर तख्त तख्तेताउस का संबंध शाहजहां से है। मयूर तख्त अर्थात तख्तेताउस का संबंध किससे है? शाहजहां से है। सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु तपेदिक रोग से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश लोगों की मृत्यु किससे होती है? तपेदिक रोग से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दांतों का डॉक्टर दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। बॉयल के नियम नियत तापमान की स्थिति पर लागू होता है। बॉयल का नियम किस पे लागू होता है? नियत तापमान की स्थिति पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी कितना डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित कण होता है? ऋण आवेशित कण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है? प्रोग्राम से। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है? कांस्य युग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ भारत में डेल्टा बनाती हैं? कावेरी गंगा महानदी ये डेल्टा बनाती है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होती है। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होती है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होती है। कपास सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास सन तथा जूट कैसा फसलें हैं? रेशेदार फसलें हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1919 ईस्वी में की थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किस किसने किया था? तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरणें हैं। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? गामा किरणें हैं। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। आंख के पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। आंख के पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर की समाधि विजय घाट कहलाती है। लाल बहादुर की समाधि क्या कहलाती है? विजय घाट। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत में कब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। एक भारी वस्तु एवं एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए तो हवा का प्रतिरोध अगर शून्य हो तो दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खा कप किस से संबंधित है? हॉकी से। आगा खा कप किस से संबंधित है? हॉकी से। समान भार के दो गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। समान भार के दो गेंद टकराने से क्या नियत रहता है? संवेग नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। जिम्बाब्वे को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा के लेखक महादेवी वर्मा है। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। हैवी इलेक्ट्रिक्स का संबंध भोपाल से है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध कहाँ से है? भोपाल से है। पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में होता है। पायरोमीटर का उपयोग किस में होता है? उच्च ताप को मापने में होता है। तमस की रचना भीष्म साहनी ने की। तमस की रचना किसने की है? भीम साहनी ने। राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि कितनी गुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर उसकी समयावधि कितनी गुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तेवई थी। हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेवई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिकमंगलूर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन है? चिकमंगलूर है। डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। किससे धारा एक दिशा में बहती है? डायोड से। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। द्रव्य में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। द्रव्य में किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। सोना कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। सोना सबसे ज़्यादा कहाँ निकाला जाता है? कर्नाटक राज्य में निकाला जाता है। दूसरा आंग्लन मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी का अंत मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी से हुआ। दूसरा आंग्लन मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत मंगलौर की संधि 1784 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनिज अच्युत देवराज के शासनकाल में विजयनगर आया था। पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनिज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत देवराज के शासनकाल में विजयनगर आया था। बेलूर यांची नदी के तट पर स्थित है। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? यांची नदी के तट पर स्थित है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। भारत में नगरपालिका जल का उपचार क्लोरीन से किया जाता है। भारत में नगरपालिका जल का उपचार किससे किया जाता है? क्लोरीन से। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में होता है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता जी वी मालवणकर थे। लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता कौन थे? जी वी मालवणकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। कौन ओजोन स्तर को प्रभावित करता है? CFC। चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला हांसले लद्दाख में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ स्थित है? हांसले लद्दाख में स्थित है। दोस्तों हम लोग इस पार्ट में देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद एक में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है?
मूल अधिकार अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 एक के क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 की एक के क में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 23 में क्या है? बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 21 के एक क में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21 के क में क्या है? बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क में क्या है? मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा। 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 330 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 352 में क्या है? आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रावधान। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन प्रावधान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग एक में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग दो में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग दो में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि है 12 से 35। भाग चार में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग चार में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 36 से 51। भाग चार के क में क्या है? मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क। भाग चार के क में क्या है? मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के क। भाग आठ में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग आठ में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग पंद्रह में क्या है? निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 29। भाग पंद्रह में क्या है? निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 29। नेक्स्ट है भाग सत्रह में क्या है? राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग सत्रह में क्या है? राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग अठारह में क्या है? आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग अठारह में क्या है? आपात उपबंध, 352 से 360। भाग बीस में क्या है? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग बीस में क्या है? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। अधिकार और अनुच्छेद समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। समानता का
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35।